Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सौतेले पिता ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी शायदा के साथ दुष्कर्म कर घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल युवती की मौसी के हवाले से शायदा और अब्दुल्ला अपने सौतेले पिता के साथ रहते थे। उनकी माँ की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता किसी भी रिश्तेदार को घर नहीं आने जाने देता था, जान से मारने की धमकी देता था और अब तो उसके साथ दुष्कर्म कर घर से बाहर तक निकाल दिया। पीड़ित महिला शिकायती पत्र लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम है शायदा, मैं हूं उनकी मौसी, ये मेरी भांजी है और ये भांजा है मेरा। इसका नाम अब्दुल्ला है, इसका नाम है शायबा। ठीक है, बहुत टाइम से ना टावचरबाजी कर रहा था वो बहुत ज्यादा, फिर उसकी इतनी बदतमीजी हो गई कि उसके साथ बलात्कार कर डाला उनने। इनका सौतेला बाप है, बहन मेरी खत्म हो चुकी है, किसी रिश्तेदार का आना जाना पसंद नहीं करता था, वो सबको भगा देता था, कहता था मैं इससे नहीं मिलना चाहता उससे नहीं मिलना चाहता। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनके आपस में रहना चाहिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में इन्होंने बदतमीजी करी, रात को 2 बजे करीब निकाल दिया घर से बाहर, ये मेरे पास आई, हमने फिर भी कोई बात नहीं दफा दफा कर दिया मामला, कोई बात नहीं। उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा ही बगड़ता चला गया, अब वो इस उस पर आ गया है, जब वो जमानत पे छूट के आ गया ना, अब 4 महीने की जेल काट लिया है, वो जमानत पे छूट के आ गया, अब वो इन बच्चों को परेशान कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है बहुत ज़्यादा, और 10-15 लोगों को साथ लाता है, कभी रास्ते में से उठवा लूँगा, कोई तुम्हारा हिमायत होगा तो उसे भी जान से मरवा देंगे, ये वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है थाने में। कौन से थाने का मामला? लिसाड़ी गेट थाना है। कहाँ रहता है? हिमायू नगर में रहता है। आज आप एसएसपी साहब से मिले, एसएसपी साहब ने क्या बोला? एसएसपी साहब ने बोला ये बताइए बेटी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वॉलंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।